देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 9 स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक। आज हम जो भी बात करेंगे उसमें हमारे साथ एक ही वर्ड होगा, कैश बुक। क्या होगा? कैश बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश का मतलब क्या है? कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक और जर्नल इन विच कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश बुक हमारी वो बुक है जिसके अंदर कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल बात है, जब कैश आएगा तो एंट्री करेंगे और कैश जाएगा तो एंट्री करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। ट्रांजेक्शन का सबसे पहला पार्ट होता है जर्नल। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जर्नल यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, कि जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल। अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल होता है। उसके बाद आता है सब्सिडरी बुक, जस्ट लाइक पहला स्टेप है आपका कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। मतलब आपने अकाउंटिंग का पहला पड़ाव तो क्लियर कर लिया, जिसके अंदर आपकी क्या थी? जर्नल। आज आपका नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है कैश बुक। बाकी सभी बुक हम सीखेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में सीखेंगे, ठीक है? ये हमारा होता है जर्नल। कैश बुक आपको तीन तरह से मिलेगी। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर कैश कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। एक होता है थ्री कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश होता है, बैंक होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है। लास्ट होती है आपकी पेटी कैश बुक। क्या होती है? पेटी कैश बुक। ये बताऊंगा होती क्या है, बट ये आप जान लेना। कैश बुक बेसिकली चार तरह की होती है। फर्स्ट होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर खाली कैश कॉलम आता है। एक होती है ड्यूअल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और डिस्काउंट आता है। एक होती है थ्री कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट आता है। लास्ट होती है आपकी पेटी कैश बुक। चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आप यहाँ देखिए। सिंगल कॉलम फॉर्मेट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। टॉप पर लिखा है सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले आप सभी को पता है ये साइड हमेशा डेबिट होती है और ये साइड हमेशा क्रेडिट होती है। कैश हमारे लिए असेट्स होता है और आप सभी जानते हैं जब असेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट होती है और जब असेट्स घटती है तो वो क्रेडिट होती है। जब असेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, जब असेट्स घटती है तो क्रेडिट होती है। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले हम यहाँ डेट लिखते हैं, जिस दिन हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो डेट आती है। पर्टिकुलर आप माने सभी को पता है कि विवरण होता है, यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ जब पैसा जाता है ये वो डेट होती है, पर्टिकुलर होता है अमाउंट होता है। याद रखना जो भी कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा बीडी बैलेंस होता है। क्या होता है? बीडी बैलेंस। अगर बैलेंस पॉजिटिव है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है पिछले साल, तो मैं उसे बोलूँगा टू बैलेंस बीडी और यहाँ उसका बैलेंस लिख दूँ। अगर मेरे पास किसी को 1 लाख रुपये मुझे उधार देना है तो मैं एंट्री लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। जब कैश नेगेटिव होता है तो क्रेडिट साइड आता है और जब कैश डेबिट होता है तो डेबिट साइड आता है। जब प्लस होता है तो डेबिट साइड और माइनस होता है तो नेगेटिव शो करता है। याद रखना कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? ये आपका पहला है, ठीक है? अटेंशन प्लीज। कैश बुक इट्सेल्फ इज अ अकाउंट। कैश बुक एक तरह का कैश अकाउंट होता है। इट्सेल्फ इज अ कैश अकाउंट। कैश बुक को आप क्या बोल सकते हो? कैश अकाउंट, जिसके अंदर पैसे का आना और पैसे का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक है लेकिन इसका रियल पर्पस क्या है? एक अकाउंट होता है। क्या होता है? ये एक अकाउंट होता है। क्लियर? ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम कैश बुक में खाली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जिसमें कैश आता है। थर्ड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उधार की कोई ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में नहीं करते। चाहे वो कैश में माल बेचा होगा तो रिकॉर्ड होगा, कैश में माल खरीदा होगा तो रिकॉर्ड होगा, कैश में कोई एक्सपेंस करा होगा तो रिकॉर्ड होगा। अगर कोई दूसरा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उधार में कोई माल खरीदा उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उधार में किसी को माल बेचा उसकी एंट्री हम नहीं करें। तो याद रखना कैश बुक में ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला, कैश बुक इट्सेल्फ
एज अ अकाउंट, एक खुद का अकाउंट है कैश बुक का, कैश का। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? कैश। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। जैसे आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ से एक पेटी कैश बुक का कॉलम मिल रहा है। पेटी कैश बुक कॉलम से पहले हमें डबल कॉलम भी सीखना है, ठीक है? डबल कॉलम क्या होता है? चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैश बुक से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको कैश बुक का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका 153 नंबर पेज है जिसके अंदर हमें एक एंट्री करनी है। ठीक है, इसमें हमें कैश बुक बनानी है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाकर लाया हूँ, उसी फॉर्मेट में मैं आपको ये एंट्री दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करनी है। ये हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट है पूरी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले एंट्री नंबर है 1 कॉलम कैश बुक। जब आप ये एंट्री करेंगे तो ध्यान रखना है, सबसे पहले कह रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कब हो रही है? दिसंबर मंथ में हो रही है। तो टॉप पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन 1 में, मंथ स्टार्टिंग ईयर लिखा, टॉप ईयर कौन सा है? 2016। कौन सा ईयर है? 2000, इससे ये होगी 2016। तो टॉप पर क्या लिखा? 2016। डेट क्या थी? 1 दिसंबर। तो कितना लिख दिया मैंने? 1 दिसंबर। कह रहा है कि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कितना है? 12,000। तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस बीडी कितना? 12,000। कितना लिख दिया मैंने? 12,000 रुपये। उसके बाद बोला कैश रिसीव फ्रॉम भानु। तो जब मैंने बोला कोई कैश रिसीव होता है तो वो क्या होता है? हमेशा डेबिट। तो एंट्री क्या कर दी? टू भानु। कितना? 4,000। फिर मैंने बोला रेंट पेड, रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, मेरे पास से कैश जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? बाय रेंट। कितना? 2,000 रुपये। कितना लिख दिया? 2,000 रुपये। क्लियर है? परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का माल किससे खरीदा? मुरारी से। वो भी एंड में क्या लिखा है? कैश। तो मेरे पास माल आएगा और कैश जाएगा, तो क्या लिख दूंगा? बाय परचेज। कितना? 6,000 रुपये। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 9,000 रुपये। अच्छा, किसी को माल बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू सेल। कितना? 9,000। आ जाओ परचेज स्टेशनरी। कितना? 300। तो माल खरीदूंगा मेरे पास से क्या जाएगा? कैश। तो क्या लिख दिया? बाय स्टेशनरी। कितना? 300 रुपये। आ जाओ कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट। कितना? 2,000 रुपये मेरे पास से चला जाएगा। 2,000 रुपये पेड सैलरी 1,000 रुपये। तो बाय सैलरी। रेंट पेड 500। तो यहाँ क्या लिख दिया? बाय रेंट। कितना बैलेंस बचा? आ जाइए, अब क्या करते हैं, जब ये सब कुछ काम खत्म हो जाता है तो हम दोनों साइडों का टोटल करते हैं। सपोज हमने साइड का टोटल करा तो कितना आ रहा है? 25,000। अब हमने इस साइड का टोटल करा, कितना आ रहा है? 11,800। कितना टोटल आ रहा है? 11,800। अब इस अकाउंट, इस बैलेंस को लाने के लिए यहाँ पर मैं कितना इसमें जोड़ दूँ, इसमें कितना जोड़ दूँ
कि बैलेंस बराबर हो जाए 25,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 25,000 में जो आया बैलेंस माइनस कर दूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, 13,200। कितना मिल जाएगा, 13,200। तो बैलेंस क्या बचा आपका, बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आ गया, 13,200। कितना बैलेंस आ गया आपका, 13,200। और यही बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। कितना, 13,200। क्लियर है, किसी को डाउट है, पूरा क्लियर नहीं? चलिए बता, ये कह रहा है कि इंटर करते हैं इसके अंदर हम सिंगल कॉलम कैश बुक। मैंने बताया कि कैश बुक के अंदर हम वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश का आना और कैश का जाना होता है। अगर आपका बैलेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है कैश, और बैलेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। बैलेंस घटेगा कैसे, किसी से को मैंने माल खरीद लिया, किसी ने किसी को पेमेंट दे दी, किसी को सैलरी दे दी, तो मेरा कैश अकाउंट घट जाएगा। तो सब किस साइड आता है, बाई साइड आता है। कैश अकाउंट जब बढ़ेगा तो किन रीज़नों से बढ़ेगा, या तो कोई मुझे पैसा देगा या मैं किसी को माल बेचूंगा, तो उस कैसे मेरा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ईयर देखा कौन सा, 2016। तो मैंने यहाँ पर टॉप पर लिख दिया ईयर 2016। फिर मंथ कौन सा था, दिसंबर, तो मैंने यहाँ पर दिसंबर एक तारीख थी, तो मैंने यहाँ पर एक तारीख मैंशन कर दी। और इसका बैलेंस जो था वो पुराना बैलेंस था, उसने लिखा ना कैश इन हैंड, तो हम मान लेंगे कितना बैलेंस है उसका, टू बैलेंस बीडी कितना, 12,000। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, 12,000। उसके बाद उसने बोला कैश रिसीव फ्रॉम भानु, कितना रिसीव हो रहा है, 4,000 रुपये। अरे जब रिसीव कैश होगा तो कैश बढ़ेगा ना, तो हमने इसे क्या लिख दिया, टू भानु। कितना, बीडी मतलब पुराना बैलेंस है, तो इसलिए उसे बीडी के नाम से लिखते हैं बैलेंस, ठीक है, बीडी। इसके बाद कितना हो गया आपका, 4,000 रुपये। कितना हो गया आपका, 4,000। उसके बाद नीचे आए, हमने कहा कि हमने 2,000 रुपये का रेंट पेड करा। जब हम किसी को 2,000 रुपये का रेंट देंगे तो हमारे पास से रेंट कम हो जाएगा, तो उस केस में हमने क्या लिख दिया, बाय रेंट। कितना, 2,000 रुपये। कितना, 2,000 रुपये। उसके बाद परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, क्लियर है। कितना, 6,000 रुपये। कितने का, 6,000 रुपये। तो हमने लिख दिया बाय परचेज 6,000। हम चाहते तो मुरारी का नाम भी लिख सकते थे, क्या कर सकते थे, हम मुरारी का नाम लिख सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर मुरारी लिख के डायरेक्ट क्या लिख दिया, बाय परचेज अकाउंट। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मैंने नगद में माल बेचा, तो हमने क्या लिख दिया, टू सेल। कितना, 9,000। डेबिट साइड इसलिए आया क्योंकि कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कैश घटेगा तो क्रेडिट, इसलिए हमने 9,000 रुपये यहाँ लिख दिए। उसके बाद लिखा परचेज स्टेशनरी, कितने की परचेज करी है, 300 रुपये की, तो हमने क्या लिख दिया, बाय स्टेशनरी। कितने की, 300 रुपये की। फिर हमने बोला हमने राहुल को पेमेंट करी, कितने की, 2,000 रुपये की, तो हमने कितना लिख दिया, बाय राहुल 2,000 रुपये। फिर हमने सैलरी पेड करी, कितनी, 1,000, तो यहाँ लिख दिया बाय सैलरी 1,000 रुपीज। मैंने रेंट पेड करा, कितना, 1,500, तो यहाँ कितना लिख दिया, 500। अभी सारा काम खत्म हो गया, अब अकाउंट कहता है कि दोनों साइडों का टोटल कर लो, क्या कर लो, दोनों साइडों का टोटल कर लो। तो अकाउंट में हम क्या करते हैं, दोनों साइडों का टोटल करते हैं। जब हम दोनों साइडों का टोटल करते हैं तो पता चलता है कि ये वैल्यू 25,000 रुपये और ये वैल्यू भी 25,000 रुपये हमें करनी है। हम यहाँ कितना बैलेंस जोड़ दें ये कि 25,000 हो जाए, तो हम इसमें कितना जोड़ दें, 13,200, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000। तो ये बैलेंस हमारा बचा हुआ है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस सीडी। और यही अगले साल या अगले महीने क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अपनी मर्जी से क्यों जोड़ोगे, आपको ये साइड तक लाना है ना, आपके पास 11,800 रुपये हैं, आपको 25,000 करने, तो आप कितना जोड़ोगे, आप यहाँ लिखोगे 25,000 माइनस 11,800, जैसे ही करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 13,200। हाँ, अब इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दिए थे, वो बात क्या सिंपल इस तरीके से निकाल, क्लियर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसके अंदर भी हमें कैश बुक बनानी, बट ये कौन से मंथ से रिलेट करती है, नवंबर मंथ से। कह रहा है कैश इन हैंड कितना है, 12,500। तो सबसे पहले क्या लिखा, बैलेंस बीडी कितना, 12,500। स्टार्टिंग में लिख दिया कितना, 12,500। उसके बाद बोला कैश पेड टू हरी, मैंने कैश पे कर दिया किसको, हरी को, तो कैश क्या हो जाएगा, बाय साइड में क्या लिख दूंगा, बाय हरी। कितना, 6,000। कितना लिख दिया मैंने, 6,000। उस 600 तो बोला है, सॉरी 600, ठीक है। परचेज्ड गुड्स कितना, 800
800 की परचेज करी तो क्या लिख दिया परचेज। सर आपने अज्यूम करा, हाँ आप जानते हैं कि जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं कैश, तो इसलिए हमने क्या कर दिया बाय परचेज कितना 800। इसके बाद कैश रिसीव टू फ्रॉम अमित कितना 1960 रुपये, तो हमने क्या लिख दिया टू अमित 1960 रुपये। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 800 रुपये, तो कैश आएगा तो क्या लिख देंगे टू सेल कितना 800। उसके बाद पेड टू मनीष, तो यहाँ क्या लिख दिया बाय मनीष 590 रुपये। पेड कार्ट्रेज कितना 100 रुपये, तो क्या लिख दिया बाय कार्ट्रेज कितना 100 रुपये। फिर सैलरी पेड करी कितना 1000, तो क्या लिख दिया बाय सैलरी 1000। अब आप सभी को पता है हमने दोनों साइड देखी, इस साइड का टोटल है 15260 और इस साइड का टोटल है 3090 रुपये। अब हम इसमें कितना जोड़ दें ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो हमने बोला 15260 माइनस 3090 12170 रुपये। आप टोटल करके देखेंगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। क्लियर, आ जाइए कुछ एंट्रियां मैं आपको बता देता हूँ। पेड टू सोनू यहाँ पर ठीक है, कुछ नीचे आ जाइए। एक क्वेश्चन और कराना है, इतना समझ गए आप लोग, इजी है। चलिए यही क्वेश्चन बिल्कुल वहां डिट्टो उतारा हुआ है मैंने, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। इसके बाद आता है डबल कॉलम कैश बुक, चलिए यहां देख लीजिए आप डबल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल, ये होता है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो अमाउंट होता है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर डिस्काउंट, फिर अमाउंट। चलें क्वेश्चन कर लें, तो इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा डबल अकाउंट डबल कैश बुक का कौन सा क्वेश्चन है। जस्ट लाइक ये रहा डबल कॉलम कैश बुक, समझ गए आप लोग। तो इसमें डबल कॉलम में हमने सबसे टॉप पर क्या लिखेंगे कैश बुक लिखेंगे, ना कि कैश अकाउंट, हमें क्या लिखना है कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले हमें कह रहा है कि कौन क्या हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हमने कैश कितना लगा रहे हैं 50,000 रुपए, तो हम यहां क्या लिख देंगे टू बैलेंस बीडी कितना, एक गलती होगी, खाली मुझे बैलेंस लिखना चाहिए, वो अपने आप उठा लेगा, बैलेंस बीडी कितना 50,000। तो यहाँ कितना लिख देंगे 50,000। क्लियर है, अगर मैं ये ना लिखूँ तो चलेगा आप लोगों को, खाली टू और बाई कर दूँ, टाइम सेव होगा थोड़ा सा। चलिए आ जाइए, ओपन बैंक अकाउंट विद ICICI, मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करा। आप लोगों को पता है बैंक अकाउंट जब ओपन करता हूँ तो कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, उसके बाद ही तो आप कोई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास से क्या जाएगा, जब आप बैंक में कोई पैसा डालते हो तो कैश जाएगा ना आपके पास, तो आप एंट्री लिखोगे क्या बाय ICICI, मैं खाली बाय लिख देता हूँ, बाय कितना 30,000 रुपये। अगर किसी के मन में क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ रियल में ये होता क्या है। जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक कहता है सर आपको अकाउंट खुलवाना है, सबसे पहले क्वेश्चन होता है सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करंट अकाउंट खुलवाना है। आप कहते हैं सर अभी तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरा एक सेविंग अकाउंट खोल दो। कहते हैं सर मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना है। आपने कहा सर मिनिमम बैलेंस मैं 10,000 रख सकता हूँ, 5,000 रख सकता हूँ, 2,000 रख सकता हूँ, इसका मतलब आपके पास से कैश जा रहा है। तो उसी एंट्री के लिए मैंने क्या बोला बाय ICICI बैलेंस कितना 30,000। क्लियर, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है।
इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक गुड्स परचेज कराए, कितने का? 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बाय कितना? 10,000। क्लियर आ जाइए। इसके बाद परचेज ऑफिस मशीन फॉर कैश ₹5,000। हमने मशीन परचेज करी, तो हमारे पास मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, कितना? 5,000। इसके बाद आ जाओ नीचे, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने वर्ड सुन लिया क्या लिखा है, तो इस एंट्री को इसमें करने की जरूरत ही नहीं, इग्नोर कर दो, आगे पढ़ो ही मत। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। और कैश बुक में हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? जिसमें कैश आता या कैश जाता है। उधार की कोई एंट्री हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, रिसीव चेक। ये थर्ड कॉलम होता है ना, तीन कॉलम, तो उसके अंदर ये एंट्री करते हैं, बट अभी थ्री कॉलम हम कर नहीं रहे, तो उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ, तो बैंक हो जाती है। कैश सेल कितने की? 8,000। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू सेल कितनी? 8,000। याद रखना, डेट को मिस नहीं करना है। डेट आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर। ईयर कितना था? 2017। 2017 या 1 जुलाई मान लेते हैं। तो यहाँ बाय गुड्स परचेज करेंगे, तो बाय परचेज लिख देना है आपको, ठीक है। आप अभी जनरल एंट्री को फोकस मत करना, अभी आप कैश बुक को फोकस कर रहे हैं। जब कोई चीज़ आती है तो डेबिट होती है, और कोई चीज़ जाती है तो क्रेडिट होती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे करके चल रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे, रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो हमारा ये रोहन का चेक हमें जो मिला था, हमने उसे क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसमें कैश का कोई मतलब है? जब कैश का कोई मतलब नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। पेड कार्टेज बाय चेक, तो इसकी भी एंट्री कोई हम नहीं करेंगे। आ जाओ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये कैश कहाँ से विड्रॉ करेगा? बैंक से। तो इससे क्या कैश से कोई मतलब है? कोई एंट्री नहीं करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, तो इसकी एंट्री भी कुछ नहीं होगी। आ जाओ दोनों साइड का, क्योंकि वो बैंक से रिलेट करता है ना, और कैश बुक में बैंक नहीं होगी। और पहली बात तो ये ड्राइंग है, क्या ये आपकी ड्राइंग है? पर्सनल यूज से बैंक से पैसा निकाला, तो क्या एंट्री करोगे सर? अच्छा बताओ, इसमें कितना बैलेंस कम है? 13,000 कम है, तो कितना लिख दें? 13,000। हाँ, ड्राइंग की एंट्री लिखनी पड़ेगी सर। कैश विड्रॉ कर रहा है ना। अच्छा, मैंने बैंक लिख दिया ना, मैंने बैंक अज्यूम करा ही कैश है, सॉरी। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 11,000। मुझे लगा कि जब भी विड्रॉ की बात आती है तो बैंक से बात आती है, इसलिए मैंने इसे क्या मान लिया? बैंक मान लिया। जबकि ये क्या है? नहीं, वो हो सकता है उसने काउंटर से पैसे निकाल लिए, तो एंट्री लिख दी कैश विड्रॉ। हाँ, यहाँ लिखा हुआ भी स्पेशली कैश ही है, इसलिए हमने मानना ही पड़ेगा, ठीक है, मानना क्या है ही है। आ जाओ, अगर ये थ्री कॉलम होता, यही एंट्री अगर कौन सी होती हमारी? थ्री कॉलम एंट्री होती, तो कैसे करते? तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ एक फॉर्मेट बनाया, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं है। टॉप पर क्या होगा आपका? कैश बुक होगा, ठीक है, कैश बुक आ जाएगा टॉप पर। स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे? ईयर मेंशन करोगे, फिर आपकी जो भी डेट होगी वो डेट टाइप कर दो, फिर यहाँ टॉप पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी, कितना? 5 और 50,000। तो यहाँ कितना लिख दो? कैश में 50,000 रुपये,
क्लियर। इसके बाद क्या हो जाओ, उसने बोला कि मैंने 30,000 रुपये किसमें जमा करा दिए, बैंक में। तो यहाँ दो एंट्री पास होगी, क्या होगी, दो एंट्री पास होगी। और यहाँ आप लिखोगे तारीख कितनी है, 3 तारीख। सबसे पहले यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। कितना बैंक में कितना पैसा जा रहा है, 30,000। तो आप एंट्री किस में कर दोगे, बैंक। इसके बाद आ जाओ यहाँ लिखो क्या, बाय बैंक अकाउंट। क्या नाम है बैंक का, आईसीआई बैंक, तो लिख दो आईसीआई बैंक। बिल्कुल लिख दो ना, पूरी डिटेल जब लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं आईसीआई बैंक। कितना, 30,000। तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए दो एंट्री हो गई, और यही एंट्री क्या कहलाती है आपकी, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है एंट्री आपकी, कॉन्ट्रा। जिस एंट्री में कैश और बैंक वर्ड आता है वो आपकी कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा। और हाँ रिपीट कर देता हूँ दोबारा, ध्यान से समझना एंट्री को आपको ज़्यादा। सबसे पहले कह रहा है कि आपने 50,000 रुपये से बैंक एक कंपनी स्टार्ट करी, तो हमने एंट्री लिख दी टू बैलेंस बी डी 50,000। उसके बाद लिखा है यहाँ पर टू कैश लिख दिया खाली, मैंने लिखा है ओपन बैंक अकाउंट। जब हमने बोला कि आप कोई बैंक अकाउंट स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे आप, तो आपके पास से कैश जाएगा और बैंक में पैसा आएगा, तो इसलिए मैंने एंट्री लिखी टू कैश। पैसा किस में आ रहा है, बैंक में, तो एंट्री कौन से कॉलम में लिख दी, बैंक के कॉलम में। टू कैश अकाउंट कितना, 30,000 रुपये। मतलब किस नाम से बैंक में आ रहा है, कैश के नाम से। और कैश बुक में किस नाम से यहाँ पर जा रहा है, बाय आईसीआई बैंक। कितना, 30,000 रुपये। इसलिए इसका बैलेंस यहाँ पर देखो, मैंने कैश बुक से कम करा है, इसमें बैलेंस अब कितना रह जाएगा, 20,000 रुपये। कितना रह जाएगा, 20,000 रुपये। और कैश बुक में कितना आ जाएगा, 30,000। आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, वो ये परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कोई माल परचेज करा है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का परचेज करा है, तो आप क्या करोगे, बाय परचेज अकाउंट कितने, 10,000। तो यहां कितना लिख दो आप, 10,000। ठीक है, परचेज्ड ऑफिस मशीन फॉर कैश रुपीज 5,000। कितने की मशीन आपने परचेज करी, 5,000 रुपए की। याद रखना जब भी आप कैश बुक में एंट्री करेंगे तो कभी भी कैश बुक में जो भी खर्चा हो उसका नाम लिखते हैं। यहां हमने टू बैंक कैश इसलिए लिखा क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा था, क्लियर है, और बैंक को पताना था कि पैसा किस रूप में आ रहा है, कैश में। हमने यहाँ बाय आईसीआई बैंक इसलिए लिखा क्योंकि पैसा किस में जा रहा था, किस में, आईसीआई बैंक से जा रहा था, बैंक में जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर कैश को कम करने के लिए लिखा बाय आईसीआई बैंक 30,000 रुपये। हाँ आप यहाँ कॉन्ट्रा का कॉलम बना सकते हैं और यहाँ कॉन्ट्रा लिख सकते हैं। जब कैश और बैंक एक साथ आते हैं तो उसके लिए हम लोग सी बना देते हैं, लिख देते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप थोड़ा सा आगे नोट्स में आओगे तो कुछ कॉन्ट्रा एंट्री के रियल एग्जांपल दिए हुए हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। करीबन ये 6 से 7 एंट्रियाँ हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है आज की क्लास में, ठीक है, कॉन्ट्रा कब कब बनती है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने क्या परचेज करा, इसके अंदर हमने मशीन परचेज कराए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय मशीन अकाउंट। और अगर आप लोग ये शीट यूज करना चाहते हैं तो एक्सेल की एक ट्रिक होती है, आपको बाय लिखने की कभी जरूरत नहीं है, बस यहाँ जाइएगा एक बार स्टार लगाइएगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाय टाइप कर दीजिएगा तो आपको। और देखिए जब भी आप बाय लिखेंगे तो याद रखना एट द रेट के बाद लिखना, ये क्या होती है, ट्रिक होती है छोटी छोटी, जिससे क्या होगा कभी भी मुझे कुछ नहीं लिखना, खाली मैं क्या करूँगा इस पर आऊँगा कंट्रोल इंटर मार दूंगा, अपने आप मशीन आ जाएगी। मैं अगर मुझे ये नीचे चाहिए तो मैं ये नीचे भी लिख सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर लिखना है रोहित, लिखूंगा इंटर मारूंगा बाय अपने आप आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बार बार अगर मैं टू लिख देता था तो मैं उसे हटा रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने जब एक बनाया था फॉर्मेटिंग तो मैंने बैकहेंड में ये फिक्स कर दिया कि मैं कैश लिखूँ तो टू अपने आप आ जाए, मैं रोहित लिखूँ तो अपने आप क्या आ जाए, बाय आ जाए। तो ये अपने आप उठ के इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर से ये बोला है। चले मशीन कितने की खरीदी है आपने,
5000 की, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5000 रुपीज़ कैश जा रहा है, 5000 रुपये आ जाइए। नेक्स्ट आपने क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करा है, और उसने आपको हाथों हाथ क्या दे दिया, एक चेक दे दिया। क्या दे दिया, चेक। चेक दे दिया तो आप एंट्री क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे क्या, रोहन कितना, 7000 रुपये, और कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक के कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखोगे आप, बैंक के कॉलम में। क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट भर रहा है। आपके पास पहले 30000 थे, आपको कोई 7000 रुपये और दे रहा, तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 37000 आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करा है, सेल कर दी, कितने रुपए की, कौन सा, लेकिन आगे देखो उसने क्या बोला है, चेक दे दिया, तो चेक दे दिया तो यहाँ पर डाल दो, उधार माल बेचा था, उसने कहा कि सर चेक रख लो, क्या रख लो, चेक रख लो, इसलिए हमने ये कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर ये देखो, ये क्वेश्चन भी इनका ठीक था, ये क्या लिखा है, क्रेडिट। हम ये एंट्री अभी नहीं करेंगे, हम ये एंट्री अभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने इस चेक को डिपॉजिट नहीं करा, वो उधार हमसे माल लेके हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया। क्या दे दिया सलमान, उसने हमें चेक दे दिया, और हमने अभी चेक अपने काउंटर में रख लिया, क्या रख लिया, काउंटर में रख लिया, और अभी हमने उसको बैंक में जमा नहीं कराया। जब हमने बैंक में जमा नहीं कराया तो हमारा बैंक अकाउंट कैसे बढ़ेगा, वो बैंक अकाउंट कब बढ़ेगा, जब हम उसको बैंक में क्या कर देंगे, डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री नंबर अभी 18 नंबर में, 18 15 तो कर ली ना, उसमें कोई एंट्री नहीं कर रहे हम, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 9 एंट्री। ठीक है, अमाउंट क्या डाल दो, डैश डाल दो, आ जाओ, इग्नोर कर दो, चलो आ जाओ। कैश सेल कितनी है, 8000, तो यहाँ क्या लिख दो, नहीं, 2 सेल, क्या लिख दो, 2 सेल, कितनी, 8000, आ जाओ। उसके बाद रोहन चेक कहाँ डिपॉजिट कर दिया, आईसीआई बैंक, अब यहाँ क्या लिख देंगे, कितना, 7000। ठीक है, आ जाओ नीचे। इसके बाद हमने क्या पे करा है, कार्टेज पे करिए, क्या पे करिए, कार्टेज। कार्टेज हमारे लिए क्या होता है, क्या है, चेक है, लेकिन कार्टेज हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कार्टेज। आप क्या कहते हो, क्या एंट्री नहीं करें, हमारे पास एक और दो कॉलम है बैंक का, तो जब हमारे पास बैंक का कॉलम है तो हम किसके अंदर लिख देंगे, बैंक के अंदर लिख देंगे, कितना, 500, आ जाओ। उसके बाद हमने कैश क्या करें, विड्रॉ कर लिए, क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो आप सभी जानते, ओनर अपनी कंपनी के लिए कुछ भी निकाले तो हमारे लिए क्या होता है, ड्राइंग होती है ना, हाँ सॉरी, ड्राइंग है ना, तो यहाँ आएगा कितनी, 2000 रुपये, तो 2000 लिख दो। उसका रेंट पेड चेक कितना, 1000 रुपीज, तो क्या लिख दो, बाय रेंट अकाउंट, कितना, 1000 रुपीज, तो कितना लिख दोगे, 1000। क्लियर, अब क्या करना है, नीचे एक लाइन डाल देंगे और सभी का टोटल करेंगे, इन तीनों कॉलमों का टोटल करेंगे। क्यों यार, ये क्रेडिट सेल है ना, जब तक वो चेक जो आपके पास था आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो बैंक अकाउंट कैसे बढ़ाएंगे, आप मुझे बताओ। आपको किसी ने उधार माल बेचा और कहा कि सर आप इसको ना 20 तारीख तक मत डालिएगा, आज 9 तारीख को आपसे कोई माल लेके जा रहा है, कह रहा है कि सर इस चेक को 20 तारीख तक डिपॉजिट मत करना, कहीं नहीं हो। अब बताओ, अगर ये वाली एंट्री में पहले ही डिपॉजिट 7000 की कर देता, फिर आप मुझे आगे कहते सर एंट्री दोबारा डिपॉजिट कर दो, चेक एक ही बार डिपॉजिट होगा ना, ये दो बार डिपॉजिट होगा, तो मैं उसने चेक दिया और आपने चेक कब डाला, आपको 15 को चेक दिया और आपने कब डाला उसको, 20 में डाला, सेम डेट डाला तो आप एंट्री कर लेते हैं, उसने कब डाला है, 20 तारीख को, इसलिए हमने वो एंट्री नहीं करी। अगर वो एंट्री कर लोगे तो आपका बैलेंस मैच नहीं होगा, वो गलत है, क्योंकि उधार मेंशन साफ है आपके सामने, वो क्या है आपका क्रेडिट। अब क्या कर लो, तीनों साइडों का सम करो, कोई सम नहीं होगा, इसका फिगर 0 आएगी, इसका सम करो,
सांभाल जाओ। आ जाओ, अब टोटल मिलाना है हमें इसमें। अब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बैलेंस सीडी कितना, इसमें 58,000 है और ये कितना है, इसमें कितना घटा जोड़ दें कि कितना बन जाए, ये कितना आया था नीचे 47,000 आया था ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सर नहीं 11,000 तो आएगा, ठीक है आ जाइए यहाँ पर, ये कितना है आपका 1500, ये आपका कितना है 37,000, तो कितना आ जाएगा 35,500, तो कितना आ जाएगा 37, आंसर देखिए 11,000 और 35,500, और यही नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे दोनों बैलेंस, जुलाई चल रहा है 1 अगस्त मान लो, क्या हो जाएंगे 2 बैलेंस बीडी कितना 11,000 और 35,500, ठीक है क्रॉस हो जाता है, जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड उठा के यहाँ ले आते हैं, इसलिए ये जो बैलेंस बीडी था ये मतलब किसी दूसरे मंथ का बचा हुआ बैलेंस था, ठीक है इसलिए बैलेंस बीडी था। अब जो भी नेक्स्ट मंथ आप काम करोगे बैलेंस बीडी बन जाएगा, फिर जो बच के आएगा वो अगले महीने बीडी बन जाएगा, ठीक है ये ठीक है। ये कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो काउंटर एंट्री बचेगी वो देख लेते हैं। हाँ डिस्काउंट वाली देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊँ, बट चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कौन सा हमारा डबल कॉलम है, हम इसी की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं और एंट्री पास करते हैं, बाकी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ कंटेंट को, क्लियर कंटेंट। सबसे पहले ठीक है इसके अंदर हमारा ईयर कौन सा है 2017, मंथ कौन सा है अगस्त, ठीक है इसके अंदर आ जाइए। सबसे पहले कैश, कैश इन हैंड कितना है 17,500, तो क्या लिख देंगे 2 बैलेंस कितना 17,500 आ जाइए। फिर कह रहा है और ऑलरेडी हमारे पास बैंक में ही बैलेंस है कितना 5,000, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5,000, ठीक है क्योंकि ऑलरेडी 2 बैलेंस हमें गिवन हुए थे। इसके हमने क्या करा, एक माल परचेज करा, किससे कराए कैश, कितना कराए परचेज, तारीख कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, लिख देंगे खाली परचेज भी कैश में है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,000 रुपये आ जाएगी। फिर रिसीव चेक फ्रॉम जसमीत कितना 10,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे सॉरी कितना 10, चेक है तो यहाँ पर किस में लिख देंगे चेक में आ जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना 7,000, टू सेल कितना
7,000, वो भी कैश है, कैश आ जाओ। इसके बाद क्या कह रहा है, वो चेक को हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो मैंने बोला था, अब बताओ इसे एंट्री को करना चाहिए था वाली एंट्री को, नहीं करना चाहिए था पहले वाली एंट्री, नहीं करनी चाहिए। तो हम इसकी डेट चेंज कर दें, चलेगा, इसको कितना कर दें 10 अगस्त कर दें, चल जाएगा, क्योंकि वो एंट्री कब चेक कब जमा कर रहा है, 10 तारीख को। ठीक है, कैसे दो एंट्री करोगे, जोड़ने में दिक्कत ही, गलत ही हो जाएगी ना। यहाँ सात, यहाँ 10,000 रुपये की एंट्री, देखो इसके आगे कोई बैलेंस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब वो एंट्री हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि लिखा भी नहीं है कि हमने उसे डिपॉजिट करा है। जब तक हमें ये अज्यूम ना हो कि हमने उसे डिपॉजिट करा है, जब तक वो एंट्री नहीं करनी चाहिए। नीचे आ जाओ, इसके बाद जैसे ही आओगे क्या लिखा है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, कितना 20,000 रुपये, तारीख कितनी है 12, तो आप क्या लिख दोगे 12। ठीक है, बाय परचेस बैंक कितना 20,000, आ जाइए नेक्स्ट, पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक कितना 1,000 रुपये। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जानते क्या होता है, जब किसी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है उस समय जो भी खर्चा आता है वो क्या कहलाता है हमारा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। जस्ट लाइक इस कोचिंग को बनाने से पहले इसकी रिपेयर हुई होगी, इसके अंदर वॉशिंग हुई होगी, पेंट हुआ, उसके बाद ही तो ये स्टार्ट हुआ। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है पहले सीए के पास जाते हैं, सीए से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद ही तो आगे प्रोसेस होता है। वो क्या है हमारे, एक्सपेंस है, वो भी कौन से, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, कितना आपका 1,000, तो कितना लिख देंगे आप यहाँ पर 1,000, डेट क्या थी इसकी 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या, कैश सेल हुई है कितने रुपए की, 7,000 रुपए की, तारीख 18 है, इसकी तारीख कितनी थी, इसकी तो 18 तारीख थी ना, कैश सेल हुई है 18, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या करा, अच्छा वो फिर 8 वाली है, ये 18 सेम एंट्री है, कितने रुपए की 7,000 रुपए की, बैंक पैसा किस में आ रहा है, कैश ही आ रहा है ना, तो कैश कर देंगे। तो दो एंट्री हैं, एक हमारी ये एंट्री है और एक एंट्री हमारी ये, ठीक है। आ जाओ नीचे, डिपॉजिट इनटू बैंक कितना 10,000 रुपये, इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश कितना, कौन सा, कौन सा, अब वो कह रहा है कि हमने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, कितना 10,000, तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सी कर देंगे कॉन्ट्रा के लिए, पैसा किस में आ रहा है, बैंक में, कितना 10,000 रुपये, तारीख कितनी है 20, तो क्या लिख देंगे हम लोग 20, आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ तारीख क्या आ जाएगी 20, कितनी 20. क्या आएगा इसमें, बाय बैंक, बैंक हमारा कौन सा था, नहीं इसमें ऐसे ही कोई बैंक, कितना 10,000, तो हमारा कैश कम हो जाएगा 10,000 से और बैंक अकाउंट बढ़ जाएगी, हमारी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ पेड ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस जानते हो क्या होता है, बिजनेस का कोई भी खर्चा की जाती है ना। अब आपने ट्रेड फेयर सुना है, क्या है, व्यापार मेला, तो आपने ट्रेड के अपने बिजनेस के लिए कुछ भी खर्चा करा, वो किसके अंदर आता है, ट्रेड एक्सपेंस में, किस में आता है वो आपका, ट्रेड एक्सपेंस, तारीख कितनी है 24, तो आप यहाँ क्या करेंगे 24 लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, ट्रेड एक्सपेंस कितना 500 रुपये, ये किस में, कैश, तो कैश डाल दें। आ जाइए इसके बाद, आप क्या कह रहा है आपका, रिसीव कमीशन बाय चेक, हमें एक चेक मिला है,
अब देखिए उसने बोला है कि हमने सेम डेट डिपॉजिट करा है, आगे कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एंट्री होगी है? अब यहां देखिए, अगर ये थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो नीचे गिवन करता है हर क्वेश्चन में, देखो जितना भी करा है उसके बाद उसने बताया है कि आपने चेक डिपॉजिट करा है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद ये कुछ नहीं बताया कि उसने डिपॉजिट करा या नहीं करा, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, उसने सेम डेट में ही चेक को क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय सॉरी टू कितना 6,000 पेड रेंट कितना 6,000 तो करें, ट्वेंटी नाइन ये 27 थी आई थिंक, ये आपकी 29 है रेंट कितना 2,000 बाय वो भी किसके हैं कैश, तो यहाँ लिख देंगे 2,000 कैश, उसके बाद पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हमारी कंपनी के लिए क्या है ड्राइंग है, ठीक है, तो हमारे पास से कैश जा रहा था, हम एंटी क्या कर देंगे बाय ड्राइंग कितना कैश जा रहा है 1200, तो 1200 डाल देंगे, उसके बाद सैलरी पेड तो क्या लिख देंगे सैलरी पेड कितना 6,000 वो भी किस में है कुछ भी नहीं गिवन है तो मान लेंगे कैश में, अब तीनों साइड का टोटल हमें करना है, इस साइड का सम कर लो कितना आ रहा है आपका 31,500, 31,500 में कितना घटाना है 22,700, तो कितना आ गया इतना, फिर इसके अंदर 31,000 में से कितना घटाना है हमें 21,000, तो कितना आ जाएगा 10,000, ये क्या बन जाएगा हमारा सीडी, ठीक है आ जाएगी, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, कमीशन को डेबिट में लिखा इसलिए हमारे पास पैसा आ रहा है, ये इनकम है इसमें हमारी कैश बुक बढ़ेगी इसलिए हमने इसे सिर्फ डेबिट करा, हमने बोला था कि जब भी हमें कैश बुक को बढ़ाना होगा तो डेबिट और कैश बुक को घटाना होगा तो क्रेडिट कर दे, ये सारी चीज़ देखो इसमें कैश बैलेंस बढ़ रहा है और इनमें कैश बैलेंस घट रहा है ये इसलिए क्रेडिट में शो कर रहा है, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जो कॉन्ट्रा एंट्रियाँ कहलाती, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसके अंदर कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्या कहलाती है वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, जब आपके पास कैश है और आप उसे बैंक में डिपॉजिट करते हो वो क्या कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री, क्या कहलाती है वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसमें आपका कैश घटता है और बैंक बढ़ता है तो आप एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कहलाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, क्या कहलाती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि बीजी से इसमें जनरल में कर सकते हैं, जनरल तो यूनिवर्सल है, आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं चाहे कॉन्ट्रा की हो या वो किसी और चीज़ की, वो सारी एंट्री यहाँ से कवर हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज कितना 130 रुपये, मैंने ऑफिस यूज के लिए बैंक से 130 रुपये निकाल लिए, ये भी एंट्री क्या है कॉन्ट्रा, क्योंकि इसमें मेरा कैश बढ़ रहा है और बैंक घट रहा है,
मैं जब मैं एटीएम में गया और कैश निकाला तो मेरी पॉकेट में 130 रुपये आ गया और बैंक अकाउंट से कैश घट गया। और हमने टॉप स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी वो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक एक साथ इफेक्ट करते। चले नेक्स्ट, क्या लिखा है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये हमारी कॉन्ट्रा नहीं है। हमारे कंपनी का मालिक एटीएम में गया और कुछ पैसा निकाल लिया, उसने किसके यूज के लिए? अपने पर्सनल यूज के। जब कोई अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाल लाए तो हमारे लिए कॉन्ट्रा ना बनके बन जाएगी नॉर्मल एंट्री। तो इसमें बैंक को कम कर देंगे और ड्राइंग को बढ़ा देंगे, तो एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट घट रहा है और ड्राइंग आपकी बढ़ रही, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, ये क्या है? हमारा कस्टमर, और चेक को हमने सेम डेट में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिस्टर ए आ गया, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक आए, जिसमें कैश और बैंक आए। तो इसमें आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और आपका मिस्टर ए का बैलेंस घट रहा है, हैं? यार क्या लिखा है? चेक रिसीव, आपको चेक रिसीव हुआ, क्या हुआ आपको? चेक रिसीव हुआ तो आप क्या मान लोगे उसे? बैंक अकाउंट बढ़ गया और जिस डेप्टर से आपने जितना पैसा लिया था वो बैलेंस घट गया। सपोज आपके पास एक एग्जांपल के देख सकते हो, ये मेरे पास मिस्टर ए थे जिनसे मुझे 1 लाख रुपए लेना था, आज इन्होंने 7,000 का चेक दे दिया मुझे, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा तो मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा और टू मिस्टर ए, क्लियर? कितना? 7,000, क्लियर? क्या इसमें कहीं आपको कैश दिख रहा है? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्लियर? कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी कस्टमर, वो क्या है? मेरा डेब्टर, बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डेट। मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा, आप आए आपने कहा सर मेरी फीस ले लो, आपने मुझे फीस दे दी और कहा कि सर प्लीज 10 दिन बाद डालिएगा, तो उन्होंने उस चेक को लिया और अपने ड्रॉअर में डाल दिया, सेम डेट डिपॉजिट नहीं करा, सेम डेट डिपॉजिट नहीं करा। तो इसमें दो तरीके हैं, पहला तरीका हम ये मान लेंगे वो हमारा क्या है? कैश है। क्या मान लेंगे? वो हमारा कैश, तो उससे कैश को बढ़ा देंगे और मिस्टर बी के बैलेंस को घटा देंगे। लेकिन आप में से कोई भी कह सकता है कैश तो आया ही नहीं सर, तो बहुत से लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देंगे? चेक इन हैंड, चेक हाथ में है, क्या एंट्री लिख देंगे वो लोग? चेक इन हैंड। तो जहाँ आपने कैश लिखा था वहाँ क्या लिख दोगे? चेक इन हैंड, क्योंकि अभी चेक हमने जमा नहीं कराया, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, जब ये एंट्री आपने सेम डेट में जमा ना करा हो। अब आपके पास ऑप्शन है, आप उसे कैश ट्रीट करते हैं या उसे चेक ट्रीट करते हैं। अगर चेक ट्रीट, इसमें पैसा तो कहीं गया ही नहीं ना, पैसा तो हाथ में ही है ना, इसलिए तो लिखा है चेक इन हैंड। बैंक में जब पैसा डालोगे तभी तो पैसा मिलेगा आपको, तभी तो बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए जब तक वो मेरे हाथ में, तो हमने किस नाम से मान के चलेंगे? चेक इन हैंड। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना? 4,500 रुपये टू मिस्टर बी 4,500। यार होता क्या रियल लाइफ में, मार्केट में एक टॉपिक चलता है जिसका नाम होता है PDZ, हाँ PDC, जिसे बोलते हैं हम पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं हम जिसे? पोस्ट डेटेड चेक। होता क्या, चेक आज हमें मिल जाता है लेकिन हमें उसे 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, 90 दिन बाद डालना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट डेटेड चेक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो चेक वाला है कि आपको कोई चेक दे के चला गया लेकिन उसने कहा सर अभी मत डालिएगा चेक, डालोगे तो चेक बाउंस हो जाएगा, फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो, फिर क्या हो?
आप रिस्पॉन्स। तो मैं एंट्री पास करता हूँ क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और ये नॉर्मल एंट्री। क्यों मैंने बोला इसमें कॉन्ट्रा जब तक नहीं आया जब तक कैश और बैंक ना, तो कैश बुक में अगर चेक मांगोगे तो चेक बुक में एंट्री कर लेना जब ये डिपॉजिट होगा, जब ये डिपॉजिट होगा, जब तक तुम्हारे हाथ में कोई एंट्री मत करना इसकी। हाँ अभी नहीं होगी, लेकिन जनरल एंट्री दिखानी पड़ेगी ना, उस पार्टी का बैलेंस तो कम करोगे ना, कैश बुक में एंट्री नहीं करोगे, बस एंट्री करोगे लिख के चेक इन हैंड या फिर कैश। अगर कैश लिखोगे तो आप लिख देना कैश इन, आप सिंपल लिखो चेक इन हैंड, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप कैश बुक में एंट्री ले जाओगे, तो आप क्या लिख देना, हाँ आप चेक इन हैंड लिख दो सबसे अच्छा है। यहाँ ये मत लिखना कैश इन कैश अकाउंट, आप लिखना चेक इन हैंड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ये बहुत से लोग इसे अगर कैश अज्यूम कर लोगे, आप इसे क्या अज्यूम कर लोगे कैश, तो ये आपकी कॉन्ट्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, कैश बैंक बैंक इसमें क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट घट जाएगा जब आप उसे बैंक में जमा करा दोगे। क्या करा दोगे बैंक। मैंने जो एग्जांपल बना के लाया था वो मैं कैश के बेस पर बना के लाया हूँ। अगर आप इसे कैश ट्रीट करते हो, क्या ट्रीट करते हो कैश, मैंने बोला कि मिस्टर बी ने जो पैसा मुझे दिया है ना, मिस्टर बी ने जो पैसा मुझे दिया वो मेरा कैश है। क्या है मेरा कैश। अब उसको जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रा एंट्री बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उस चेक को मैं बैंक में जमा कराऊंगा जिसको मैंने पहले क्या मान लिया था कैश, तो कैश घट जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही उसे चेक इन हैंड मान लिया, क्या मान लिया उसे, तो एंट्री आपकी होगी ये चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और जब आप उसे बैंक में जमा कराओगे तो क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। सर आपने चेक इन हैंड को क्यों, जब मैंने पैसा उस अकाउंट में डाला था तो मैंने क्या बोल दिया था चेक इन हैंड, क्या बोल दिया चेक इन। अब उससे पैसा निकाल रहा हूं तो उसे कम करना भी तो है, इसको आपने यहां बढ़ा दिया डेबिट कर दिया, अब उससे बैलेंस निकाल लोगे तो उसे क्या करोगे माइनस करोगे, और टू को आप जानते हो क्रेडिट माने होता है घटाना और डेबिट माने होता है बढ़ाना, तो इस केस में आपका बैंक बढ़ गया और गेट कैश सॉरी चेक इन हैंड घट गया। दोबारा बताया था, एक आपको चेक मिला मिस्टर बी से 4500 रुपये का, बट आपने उसे सेम डेट में डिपॉजिट नहीं करा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ, एक चेक आपको कोई दे के गया डेट 1 तारीख को 1 मार्च को और कहा कि सर ये चेक है मेरे पास जिसका चेक नंबर 123456 है, क्लियर, पार्टी का नाम इसमें मिस्टर बी है, ठीक है ये आपको चेक देगा, बट उसने कहा सर इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना आप 20 मार्च को, कब डिपॉजिट करना आप 20 मार्च को, क्लियर है। अब मैं जब तक ये मेरे पास चेक पड़ा हुआ है तो मैं इसे ये ट्रीट कर लूँगा, ये मेरा क्या है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट अकाउंट। ठीक है, और टू किस पार्टी का बैलेंस कम करना है, मिस्टर बी का बैलेंस कम करना है, तो मैंने ये मान लिया कब 1 तारीख तक, कब तक 1 तारीख, फिर 20 तारीख आ गई, अब चेक को कहाँ ले गया मैं बैंक में जमा कराने। अब हमें मिस्टर बी से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि बैलेंस तो हमने उसका उस दिन ही कम कर दिया था, बैलेंस हमने राहुल उसी दिन कम कर दिया था, तो अब एंट्री हम क्या पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितना जो अमाउंट आपने यहाँ लिखा होगा वो, बिल्कुल एक जगह आपने उस जिस पार्टी ने आपको पैसा दिया उसको आपने चेक इन हैंड मांग के बैलेंस को बढ़ा दिया, आज उस बैलेंस को घटाओगे भी तो आप, जो चीज़ डेबिट हुई थी वो क्रेडिट भी तो होगी, वरना इसमें तो बैलेंस आ गया, आपने सीखा था जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है डेबिट, तो इसको किसको पैसा मिल रहा है मिस्टर चेक इन हैंड को पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है
चेक इन हैंड को पैसा मिल रहा है। अब आपने उसको पैसा दे दिया, अब उससे पैसा लेंगे तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चेक इन हैंड के ग्रुप में आपका क्या आएगा? ये चेक इन हैंड आपके लिए क्या है, बैंक है ना एक, तो बैंक के ग्रुप में डाल दो। हाँ इस केस में कॉन्ट्रा नहीं होगी, यही तो समझाना, यहाँ लिखा भी हुआ है ये नॉर्मल एंट्री है, आप इसे कॉन्ट्रा नहीं मानोगे। पहली बात तो कॉन्ट्रा वैसे भी नहीं है क्योंकि पार्टी का नेम है। ये कॉन्ट्रा से होगी सर। अच्छा नॉर्मल एंट्री तो जनरल से होगी और कॉन्ट्रा एंट्री तो कॉन्ट्रा से हो जाएगी। किसको? अगर इधर देखिए, इन्होंने कहा कि सर अगर ये एंट्री कैश में ट्रीट की गई होती, किस में ट्रीट की गई होती, कैश, तो इस समय आपका कैश बढ़ जाता, क्या हो जाता, और ये फिर हो जाती आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपके ऊपर है आप इसको कैसे कैश मानना चाहते हैं या इसको आप चेक मानना चाहते हैं। तो आप एंट्री लिखिएगा चेक इन हैंड। रियल लाइफ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जब बैंक चाहे पैसा 20 दिन बाद ही मिले हम उसी बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और PDC चेक का यूज़ करते हैं, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑप्शन का हम यूज़ करके काम करते हैं। हाँ यार जनरल तो यूनिवर्सल है, मैंने पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, जिसका कुछ नहीं है। ये एक बीजी के अंदर जो एक अलग ऑप्शन है उसके बारे में इतनी मेहनत चल रही है, आपके साथ एक घंटे बैठ के जो बात कर रहा हूँ वो आपको एक स्पेशल टॉपिक सिखाने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो बीजी के आपको सेल परचेज ना सिखा के कॉन्ट्रा सिखा सकता हूँ ना फैसल, कॉन्ट्रा सिखा सकता हूँ ना आपको। तो अलग अलग ऑप्शन के बारे में बताने का मेन मोटिव मेरा यही है कि कॉन्ट्रा के अंदर ये सिचुएशन अगर आती है तो ऐसे करनी है। कई लोग आपसे कॉन्ट्रा का एग्जाम्पल पूछेंगे, बताओ कॉन्ट्रा में कौन कौन सी एंट्री आती है, तो आपके सर कैश और बैंक से जो रिलेट होती है वो कॉन्ट्रा में आती है, तो बस इसलिए बताया जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट, बस ज़्यादा 2-4 मिनट लगेंगे। अब एक पार्टी ने हमें चेक दिया 1800 रुपये का, जिसका नाम मिस्टर आर था। एक पार्टी ने मुझे चेक दिया जिस पार्टी का नाम मिस्टर आर था, कितने का, 1800 रुपये। कब दिया, 28 जनवरी 2013। लेकिन वो चेक मैंने अपने पास ना करके किसी को एंडोर्स कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया, क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया, किसको, मिस्टर टी को, ऑन सेम डेट। जैसे चेक मुझे मिला मैंने दूसरी पार्टी को दे दिया, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना, सबसे पहले सिंपल एंट्री अगर आप करना चाहो सेम डेट में, पहले इस पार्टी से चेक ले लो, क्या नाम है पार्टी का, आर, ठीक है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, चेक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, क्लियर, पहली एंट्री। अब उस चेक किसको दे रहे हो, दूसरी को, तो मिस्टर टी अकाउंट डेबिट और टू चेक इन, क्लियर, बात करता हूँ। तो पहली तो आपने चेक एंट्री ले ली, अब उसी चेक को आपने दूसरे को इश्यू कर दिया, दो एंट्री तो हैं। ये देखिए क्वेश्चन में एक चेक आपने लिया फिर आपने किसी को इशू कर दिया, तो दो एंट्री दो ही करोगे ना, एक में कैसे कर सकते, राहुल एक में हो जाएगी एंट्री, हो ये वाली हो जाएगी फैसल। आप सिंपल एंट्री भी कर सकते थे, क्या, मिस्टर टी अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर आर, क्योंकि आप इनमें से चेक को हटा दो, जैसे चेक को हटाओगे तो देखिए एंट्री कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से चेक चेक कट गए ना आपस में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप उस एंट्री को एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उस एंट्री को दो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एडवांस चीज़ें रखेंगे तो आपके पास बेनिफिट है, इसलिए पूछा कि आप इसको एक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल जिसने चेक के ऊपर डबल क्रॉस लगा दिया ना, इसका मीनिंग क्या है, आप उसे इंडोर्स आगे कर सकते हैं। अगर किसी के पार्टी का नाम मेंशन कर दिया तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता ना।
तो आप उस चीजों को नहीं ध्यान दो, बस ये दो अगर आप इंडोर्स कर रहे हैं और वो सेल मतलब आप चेक कर सकते हो ट्रांसफर, तो वो है। तो आप दो एंट्रियाँ कर सकते हैं, बहुत से लोग इसे कैश भी अज्यूम करते हैं, तो अगर आपका मन हो तो कैश भी अज्यूम कर सकते हैं या फिर आप इसे चेक इन एंड भी ट्रीट कर सकते हैं। ये आपकी कुछ एंट्रियाँ थी जो मैंने आज आपको बताई। मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिनिश हो गया, मैं आपको कल आते ही कुछ एंट्रियाँ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम फिनिश कर देंगे।